तो दोस्तों हमेशा की तरह मेरा फ्लिपकार्ट से एक और ऑर्डर आ चुका है। इस बार का ऑर्डर देख सकते हैं, कपड़ा है। तो फटाफट के अंदाज में इसको ओपन करके दिखाते हैं कि इसकी क्वालिटी क्या है, लेने लायक है कि वापस करने लायक है। तो यहाँ पे पैकिंग देख सकते हैं दोस्तों, पैकिंग तो काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी बढ़िया है, शानदार है। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं दोस्तों। ये कपड़ा के रूप में ये जींस है दोस्तों हमारा, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं, देख लेते हैं कि हमारा लेने लायक है या फिर नहीं है। तो हमने तो इसको ओपन कर लिया, इसको पैकेट को फाड़ लिया और हमारा दो ब्लैक जीन्स है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, दो ब्लैक जीन्स है यहाँ पे दो ब्लैक जीन्स है। एक जीन्स यहाँ पे हो गया और दूसरा ब्लैक जीन्स ये हो गया। तो दोस्तों ये दोनों ब्लैक जीन्स यहाँ पे हमारा आ गया। अब इसकी क्वालिटी बताते हैं दोस्तों कि क्वालिटी इसकी है क्या, लेने लायक है कि नहीं है, कि इसको वापस करने लायक है, जो भी कुछ है इसमें सब हम आपको एक एक करके बताते हैं दोस्तों। तो हम सकते हैं कपड़े का जो क्वालिटी है दोस्तों काफ़ी पतला है, बहुत ज़्यादा पतला है, मतलब मोटा नहीं है, बहुत ज़्यादा कपड़ा पतला है। और दूसरा वाला देख सकते हैं दोस्तों, एक तो मतलब बहुत पतला है और दूसरा वाला मतलब लेने लायक है। दूसरा वाला मतलब एक ही में दो क्वालिटी, एक बहुत पतला और एक बहुत मोटा। व्हाट नॉनसेंस यार, यहाँ देख सकते हैं एक में बहुत मतलब अच्छे से कपड़ा दिया है और जो दूसरा कपड़ा दिया है मतलब कहाँ से उठाया फेंका है, हमको तो ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि एक जो क्वालिटी है दोनों सेम है, दोनों एक ही देखिए। तो दोस्तों व्हाट प्रॉब्लम से समझ में नहीं पा रहे हैं कि ये देखिए, आप ही खुद देख सकते हैं दोनों में कपड़े की क्वालिटी, ये कपड़ा कुछ और लग रहा है, ये कपड़ा कुछ और लग रहा है। अब मैं क्या बोलूँ, मेरे समझ से तो बाहर है। यहाँ देख सकते हैं ये कपड़ा मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये कपड़ा मुझे मतलब मैं लगता है कि एकदम बेकार सा, बेकार मतलब एकदम घटिया से घटिया। ये दोनों कपड़े एकदम पतला है, ये बहुत ही ज़्यादा पतला है और ये बहुत ज़्यादा मतलब मोटा है, लेने लायक है। तो चलिए दोस्तों इसको हम आपको पहन के दिखाते हैं कि क्या इसका सही है कि नहीं है, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। मतलब एक तो भैया बिल्कुल रिजेक्ट माल है, रिजेक्टेड माल है, एक रिजेक्टेड माल और एक सही है। दोनों एक मतलब ऑर्डर किया हमने, दो आया, एक सही एक घटिया से घटिया। तो उस घटिया वाले को तो हमको वापस कर देना पड़ेगा, लेकिन ये वाला तो अच्छा है, इसको वापस नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों ठीक है दोस्तों, इसको हम आपको फटाफट के अंदाज में पहन के दिखाते हैं। तब तक के लिए कुछ देर के लिए ब्रेक लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ ये जींस हमने पहना हुआ है, ये जींस की क्वालिटी काफ़ी मुझे घटिया लग रही है दोस्तों। मतलब खरीदने लायक तो अपना पैसा भी फंसा और इतना घटियापना जींस, दोनों में दोनों इसका कपड़ा अच्छा लग रहा था लेकिन घटिया बहुत ज़्यादा लग रहा है, बहुत ज़्यादा घटिया। तो इस जींस को हमें वापस करना तो बनता है, क्योंकि इस घटिया जींस को लेके हम क्या करेंगे, अचार नहीं डालेंगे, तो इसको हम रिफंड कर देंगे दोस्तों। लेकिन फ्लिपकार्ट ये इतना घटिया कपड़ा क्यों बेच रहा है, मेरे समझ में तो नहीं आ रहा है। तो मैं फुली रिकमेंड करूंगा दोस्तों कि ये नहीं लो तो ही अच्छा। इसलिए दोस्तों मैं आपसे फुल्ली मना करूंगा कि ये फ्लिपकार्ट पे जो ये जो मतलब ये वाला जो कपड़ा नेम है, कपड़ा नेम भी बता देते हैं दोस्तों, ये ब्लैक प्लेन जीन्स है दोस्तों और फोसिन का ये 30 नंबर का जीन्स है, बहुत ज़्यादा घटिया, बहुत ही ज़्यादा घटिया। तो ये हम कहेंगे कि इसको ना लीजिए। तो चलिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि इसे घटिया जींस से ना ले तो ही बेटर। इसलिए दोस्तों बस मैं आपसे यही कह सकता हूँ कि आप ना ले तो ही बेटर। तो दोस्तों जो भी है सही है, मैंने सही से आपको बता दिया। और लेना ना लेना चॉइस आपके ऊपर है कि आप लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं। आप 300 या 400 रुपये मार्केट में जींस परचेज कर सकते हैं, बहुत अच्छा और बढ़िया ही मिलेगा। लेकिन यहाँ इस जींस की क्वालिटी देख के मेरा तो मतलब मन ही उब गया, अब मैं ऑनलाइन से कपड़ा शायद ही कभी मंगाऊँ। तो कोई नहीं दोस्तों, मेरा शर्ट और टी शर्ट तो बहुत अच्छा आया था, लेकिन ये बहुत ही घटिया है, बहुत ही घटिया। तो मैं दोस्तों इसको रिफंड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, अपना दुलार प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा और मैं आशा करता हूँ कि अपना आपका दुलार प्यार मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है और बनाए रहेंगे। तो बस बहुत ज़्यादा धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों, बस थैंक यू दोस्तों।